हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वीनियर उन मटेरियल्स में से एक है जो कि इंटीरियर्स में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या इस मटेरियल का, इस वीनियर का यूज़ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। बात करेंगे एग्जाम्पल से और हम ये भी बताएंगे कि हमने अपने फ्लैट में किस किस जगह वीनियर का यूज़ किया है। तो चलिए, बने रहिए हमारे साथ और देखें इस वीडियो को अंत तक। ये हमारा डाइनिंग एरिया है, यहाँ पर हम वीनियर लगा रहे हैं। हमने वीनियर लगाने की शुरुआत की थी डाइनिंग एरिया से और ये जो वीनियर है, इसकी जो शीट है उसका कॉस्ट है 5500 रुपीज़। 8 फुट बाय 4 फुट का टोटल इसका एक स्टैंडर्ड साइज़ आता है और इसकी कीमत थी 5500 रुपये और हम कुल मिला के 15 शीट्स लेकर आए थे। और ये हमने वीनियर लगा दिया है यहाँ पर एज़ पर हमारा जो डिज़ाइन था उसके हिसाब से, तो कुछ अभी ऐसी लुक आ रही है। अभी इसको हमने पॉलिश नहीं किया है, वो भी बाद में करेंगे। अब दूसरा है लिविंग एरिया। लिविंग एरिया में हमने एक पूरी वॉल लेंथ पे ही वीनियर का यूज़ किया है। तो बेसिकली डाइनिंग एरिया और लिविंग एरिया में हमने काफ़ी हद तक वीनियर का ही यूज़ किया है और लिटरली इससे लुक बहुत अच्छी आती है। ये लग गया वीनियर हमारे इस लिविंग एरिया की पूरी वॉल पे भी। तीसरा हमने जहाँ पे वीनियर यूज़ किया है वो है हमारा मेन डोर, लेकिन यहाँ पे जो हमने वीनियर लगाया है उसका कलर थोड़ा सा डार्क है। और ये है हमारे शू रैक और इसके बगल में एक सीटिंग एरिया है, छोटा सा सीटिंग एरिया है। नेक्स्ट है इसकी पॉलिशिंग, तो कुछ इस तरीके से इसकी पॉलिशिंग होती है। एक सॉल्यूशन होता है वो इस पे स्प्रे करते हैं और देखिए कुछ इस तरीके से ग्लॉसी फिनिश इसकी आ गई है। हालांकि जो इसकी लास्ट जो लुक आएगी वो मैट फिनिश होगी। और जो डाइनिंग एरिया का जो वीनियर है अब उस पर हम ये पॉलिश कर रहे हैं। ये है हमारा लिविंग एरिया। पॉलिश करने से पहले और भी काफी स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं, मैंने वो स्टेप्स स्किप कर दिए। मेरे को बस आपको ये बताना है कि एंड में वीनियर का लुक कैसे आता है। तो ये हो गया हमारा लिविंग एरिया। इसकी कंप्लीट वॉल पे जैसे कि आप देख पा रहे हैं, अभी मैं फोटो भी एक शेयर करूंगा आपके साथ, आप देखिए कैसे ये वीनियर एकदम मिरर जैसा बिहेव कर रहा है। लेकिन जब इसकी ये जो सॉल्यूशन है जो सूख जाएगा, जो उसके ऊपर हमने स्प्रे किया है, फिर इसकी बिल्कुल मैट फिनिश हो जाएगी। ये है हमारा मेन डोर। आप देखिए जो वीनियर है थोड़ा डार्क है, तो हमने दो टाइप के वीनियर यूज़ किए थे। एक तो ये काफ़ी डार्क है और दूसरा आई थिंक वो ब्राउनिश कलर का है। ये इसके बाहर का पार्ट है मेन डोर का। और ये है हमारा शू रैक और उसके जो बगल में है वो एक सीटिंग एरिया है। हमने जो बचा हुआ वीनियर था वो इनमें यूज़ किया है। अगर आप लेफ्ट साइड देखें, इसका वीनियर थोड़ा लाइट है और राइट साइड में थोड़ा डार्क है। तो जो लिविंग एरिया है, जिस वॉल की मैं बात कर रहा था, जिस वॉल कंप्लीट वॉल पे हमने वीनियर लगाया है वो ये है। तो इसकी लुक काफ़ी अच्छी आती है, पूरी इमेज ही बदल जाती है उस पूरे एरिया की। और ये है हमारा डाइनिंग एरिया जिस पर हमने वीनियर लगाया था, ये कुछ ऐसा लग रहा है। और अगर आप लिविंग रूम से पूरा ये व्यू देखें तो कुछ ऐसा व्यू दिख रहा है, बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा है। ये तो आपको जस्ट फोटो में लग रहा है, जब एक्चुअल में जब हम यहाँ पे खड़े होते हैं तो बहुत ही अमेजिंग व्यू लगता है। तो मेरा ओपिनियन ये है कि अगर आप वीनियर यूज़ करते हैं तो डेफिनेटली वीनियर उस लिविंग स्पेस की लुक को बहुत बढ़ा देता है। तो अगर आपके ये डिज़ाइन को सूट करता है डेफिनेटली इसका यूज़ करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल इंटीरियर आइडियाज़ को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।